5 साल की थी जब मैं घर से भाग के आया था, और 1980 में हम लखनऊ शहर आ गए थे। सामने साहू सिनेमा है, तो गरीबी इतनी हुआ करती थी कि खाने को अगर रोटियां मांग लो, गेहूं की रोटी मांग लो, तो मम्मी पापा चिढ़ जाते थे, ऐसी गरीबी थी। तो इसलिए हम घर से निकल आए थे। फिर इसी उस 1980 में इसी बरामदा है, आराम से एक बोरी थी चीनी की, उसी में सो जाते थे कच्ची बनियानी पहन के, और अपना काम करते रहते। कभी ये नहीं सोचा था मैंने, कभी ये नहीं सोचता मुझे अमीर बनना है या गरीब बनना है, लेकिन ज़िंदगी के पल पल मज़ा लेते हैं, चाहे बोरे में सो और चाहे डल्लब के गद्दे पे सो, मज़ा ज़िंदगी का पूरा हम लेते रहते हैं। एक वहाँ मिठाई के सेल्समैन थे सिंधी भाई, उन्होंने बोला अबे छोटू काम करेगा, हमने वहाँ करेंगे। तुरंत कारखाने ले गए, तुरंत कारखाने लेके गए जब वहाँ पे, तो बोला कि क्या क्या कर लेते, हमने कहा सब कर लेता हूँ, सब कर लेंगे। बोला कितना तनख्वाह लेगा, हमने कहा कितना दोगा, बोला 5 रुपये ले ली, 150। अरे गजब, हमने कहा चल हो गई, लग गए 150 रुपये में लग गए। तो वहाँ पर भट्टी है, जलाना है तो उसके लिए भट्टी के लिए उसके बड़े बड़े कोयले रहते थे, उसको तोड़ना है, फिर लकड़ी बड़ी बड़ी रहती थी, छेनी से तोड़ के जलाते थे, और जलाने के बाद सब कारीगर जितने वहाँ पे कुक लोग थे कारीगर, तो क्या करते थे कि अपना काले काले हो जाते थे तो सब कपड़े फेंक देते थे। तो हम क्या करते थे, वहाँ सोडा रखा रहता था साफ सफाई करने वाला, तो एक बड़ा पतीला रहा था, उसी में सबकी कच्ची बनियाई गमछे जितने भी थे सब डाल के, और उसी में खूब खौलाते थे उनके कपड़े। और फिर उसको क्या रहता कि ऐसा नहीं था लेकिन हमको बहुत मज़ा आता था ऐसा काम करने में, तो उसको एक मोंगरी हुआ करती थी बड़ी, उसको और खूब उसको धकाधक फीसते थे और निचोड़ के सुखाते थे, तो अजीब सा उसको हमको आनंद मिलता था जब आते थे, तो अरे वाह क्या चमकाता है, है? तो कभी कभी वो भी ले जाते थे फिर बहुत। हर आदमी के अंदर कुछ ना एक गाड गिफ्ट होता है, तो हमारे अंदर एक खासियत है, कोई कितना भी बड़ा तुर्रम खां हो अगर कुछ बना रहा होगा तो हम उसको आंखों से अगर देख लेते हैं तो उससे बेहतर करने की कोशिश करते हैं कुछ भी, और जब तक वो बन नहीं जाता है तब तक हम उसको ट्राई करते रहते हैं। ये हमारी एक आदत है आज भी। मिनी महल खुला था तो वहाँ कारीगर था, तो क्या करता था कि एक दिन क्या किया, आलू को यूं काटा चाकू से, और वो जिसमें छन्नी थी, छन्नी में उसने लगाया मोटा मोटा, एक छन्नी और रखा और बढ़िया सा उसको कढ़ाही में डाल दिया, फिर टहलता टहलता आया इधर, बे देख मैंने क्या बनाया, हमने फट ये क्या बनाया, कह रहा मैंने देखो टोकरी बनाई टोकरी, तो यार पागल है क्या बना दिया, मोटा मोटा जला जला बना दिया था, क्योंकि हाथ से काटा था और आलू भी उसको साटा था, साटा आलू बोलो तो कि कोई भी आलू डालोगे चिप्स तो काला पड़ जाता है, तो काला काला था एकदम, बने नहीं था लेकिन टोकरी लग रही थी, हाँ टोकरी के बेस, हमने कहा अच्छा बेटा ठीक। जो हमने आलू को बढ़िया सा घिसा और लंबे लंबे बारीक लच्छे निकाले, और लच्छे निकालने के बाद उसमें कलर मिलाया हल्का सा, आरोट मिलाया, और छन्नी में जो है बेस बना के उसको सुतली से बांध दिया कढ़ाई में। अच्छा, तो आप बेस देखती पहली बार टोकरी ऐसा लग रहा था कि हाँ कोई टोकरी शीशे की तरह चमक रही थी, और मैंने एक नहीं कम से कम 6 बनाई थी। अच्छा। 6 बना के तवे पे रखा, तो शाम को डेली टहलता था आता था, हमने कहा देख रे, हमने कहा देख क्या बनाया ये देख है, कमल खान जी भी बोले क्या बनाया, तो हम समझ में नहीं आ रहा, बरखा दत्त भी थी साथ, सब बहुत सारे लोग थे वहाँ पर,
तो हमने कहा क्या करें क्या ना करें, तो इनको पहली बार हमने इनको एक टोकरी खिलाई वो बास्केट चाय। उस वक्त नाम वाम कुछ फालन नहीं हुआ था, तो यहाँ पे एक टाइम्स ऑफ इंडिया है उनका एक शायद वीकेंड मेनू या फूड कोर्ट पेपर निकलता था, तो वो भी साथ में थी। उन्होंने क्या किया, कैमरे से बढ़िया से तस्वीर ली, क्लिक, हमको नहीं पता था, और लेके चली गई। हमसे सिर्फ नाम पूछा था, आपका नाम क्या है, हमने कहा हरदयाल मौर्य नाम मेरा। उनका जो वीकेंड मेनू या फूड का पेपर निकलता था, उन्होंने सुबह सैटरडे था या शायद सैटरडे या शुक्र को उन्होंने फ्रंट पेज पे हमारी तस्वीर के साथ वो छाप दिया बास्केट का। तो इतनी डिमांड हो गई उसकी कि कंट्रोल के बाहर हो गए। फिर हमारे जो कन्नू भैया हैं, इन्होंने उसका नाम बास्केट चार्ट सब मिल के कई लोगों ने शेयर किया, बास्केट रखा जाए क्या डालें इसमें क्या ना डालें, आलू की टोकरी है, फिर आलू टिक्की दही बड़ा पापड़ी सब डाल डाल के और दही चटनी डाल के दे देते थे। लेकिन उस वक्त क्या होता कि साल भर तक तो जो खाने वाले जो चटोरे लोग थे उनको यही नहीं समझ आता इसको कैसे खाया जाए, तो क्या करते थे वो चम्मच उठाते थे, टोकरी के अंदर का माल जो है खा लेते थे और टोकरी वो फेंक देते थे। उनको लगता था कि कोई देख ना ले और ये दोनों भी खा रहा है। हर आदमी की ही कहानी थी, अंदर का माल खाया टोकरी छोड़ दिया भैया ले जाए, उनको लगता है ये दोने में दे रहा। फिर धीरे धीरे करके हमने सिखाना शुरू कर दिया लोगों को, भाई ये टोकरी खाने की चीज़ है, इसको छोड़ो मत, ये चम्मच के साथ टोकरी भी काटो। तो धीरे धीरे 2-3 साल में सब सीख गए और टोकरी भी खाने लगे, और मैंने भी अंदर की जो फीलिंग को टेस्ट चेंज करते गए, 2-3 साल चेंज किया और लोगों को पसंद आती गई और लोग चटकारे लेने लगे। अब आप आज की तारीख में हम कभी कभी 25 आइटम डालते हैं उसके अंदर। अच्छा, तो जितने ही भी आप स्पून डालेंगी उतना ही टेस्ट डिफरेंट होता जाएगा। अच्छा, कभी आलू टिक्की आएगी मुंह में, कभी दही बड़ा आएगा, कभी छोले आएंगे, कभी पापड़ी आएगी, तो आदमी लगता है यार क्या खा रहे हैं, समझ नहीं आया, लेकिन मज़ा बहुत आएगा। अभी कोरोना से पहले 21-21 कंट्री के लोग हमारे तवे के ऊपर खड़े हो जाते थे। फिर धीरे धीरे करके एक सेल्फी का सिलसिला चालू हुआ, जब भी कोई चाट खाता था धीरे धीरे करके हमारे साथ फ़ोटो खींचने लगे। हमको भी अच्छा लगता था यार फ़ोटो हमारी भी, एक साल तक का तो बहुत अच्छा लगा कि वाह फोटो। इसके पर इतनी कयानात खड़ी हो गई कि अभी 25 दिसंबर को कम से कम 50,000 पब्लिक थी।